आप हमारा जो चैप्टर सेकंड है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ केयर, मतलब स्वास्थ्य संबंधी जो देखभाल होती है ना, उसके अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है, मतलब वो उसकी क्या भूमिका होती है। तो देखिए, सेकंड जो चैप्टर हमारे अंदर पढ़ेंगे, हेल्थ केयर रिसोर्स इन इंडिया, ठीक है। दूसरा है इसके अंदर हेल्थ केयर सर्विस, केस स्टडी के अंदर पढ़ेंगे हम केरला, और केस स्टडी के अंदर करेंगे हेल्थ इम्प्रूवमेंट किया, ठीक है। इस बारे में हम मैम, आपकी सुनेंगे, ऑडियो क्लियर नहीं आ रही। नहीं यस कभी मैम, कभी नहीं आ रही क्या? अब आ रही है, यस मैम, अब सही आ गई। सब ऐसा ही मैम है अभी बेटा। रुक थोड़ा रुक सा कर आ रही है। हाँ, तो थोड़ा सा क्या है, मौसम खराब हो रहा है ना, इसकी वजह से आपको पता है नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है बेटा। ठीक है, अब आ रही है ना। यस मैम, हेलो, यस देखिए मैम अब आ रही है। इसके अंदर। ओके, अब देखिए ऊपर जो ये दे रहा है ना बेटा, टेबल से नंबर ऑफ सीट्स, स्पेशलिस्ट सर्विस, ये मतलब इसके अंदर प्राइवेट और जो पब्लिक है ना, उनके बारे में इसके अंदर पूछ रखा है। भी प्राइवेट भी हैं, पब्लिक हैं, पढ़ेंगे इस के अंदर। अभी हेल्थ केयर के अंदर हम किस तरह से अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते हैं, देश के अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो देखिए, वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मेनी वे, थिंक भी जो हमारी हेल्थ से संबंधित जो भी चीजें होती है वो तो हमें कई रास्ते हैं। हेल्थ मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग वेल एज फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी। नो कहते भी हेल्थ का अर्थ क्या होता है, नो कहते भी हेल्थ का अर्थ होता है भी हम बिल्कुल बीमारियों से मतलब बचे रहें, ठीक रहें, और कोई भी हमारे मतलब कोई भी है किसी तरह की मतलब हम घायल न हो, कोई चोट हमें न लगे, इंजरी कर दो तो घायल होना, ठीक है। तू सभी से बेटा आवाज नहीं है, किस घर से आवाज आ रही है ये, ठीक है। बट बोथ इज नॉट ओनली अबाउट डिजीज, लेकिन कहते भाई ये दोनों है ना केवल बीमारी के बारे में नहीं बताती, बल्कि मतलब सेवरल अदर फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू गुड हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एयर पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। बहुत ये प्रिया, रुक आई ये प्रिया आई लांबा, ए आवाज किस लिए आई कर रहे हो, आवाज नहीं करनी है बेटा। तो कहते बेटा इसके अंदर देखिए, गुड हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, ए पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, नर्सिंग फूड, हाइजीनिक कंडीशंस, ए साउंड स्टेट ऑफ माइंड एक्सेट्रा। तो कहते भाई केवल हम ये नहीं है कि हमारे कोई इवनिंग मैम। बीमारी। गुड इवनिंग बेटा। हाँ प्रिया लांबा, मेरे को पता चल गया आप दोनों बैठे हैं, शैतानी आप लोग ये कर रहे हैं। अब आराम से बैठ जाए, नहीं माधोगढ़ पहुंच जाऊंगी मैं, देख ले। तो कहते भाई इसके अंदर ये नु कहते भाई बीमारी जो है उससे केवल इलनेस और इंजरी यानी कि हम घायल होते वो ही नहीं होता। इसके अलावा नुकते के लिए ये तो दो चीजें ही हमारी बीमारी के लिए उपयोगी नहीं है। नुकते इसके अलावा और कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो हमारा अच्छा स्वास्थ्य होता है ना उसके लिए भाई उसका योगदान देते हैं। जैसे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, भी पीने के लिए साफ पानी चाहिए और शुद्ध वातावरण चाहिए, और अच्छे हमें पौष्टिक मतलब भोजन चाहिए, और हमारे जो स्वास्थ्य संबंधी कंडीशन है वो भी ठीक हो, तो उनका तो हमारा जो माइंड है वो भी अच्छा हो। तो ये सब चीजें कहते भी हमारी हेल्थ के लिए जरूरी हैं। उसके बाद देखिए कहते भी हेल्थ केयर रिसोर्स इन इंडिया, अभी भारत के अंदर जो हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं उनके बारे में बताया गया, भी किस तरह से हैं, कैसे हैं, क्या किस तरह से वो कार्य करते हैं। तो कहते आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू सेफ गार्ड द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। कहते हमारा संविधान है ना उसके अंदर कहते भी जो हमारा आर्टिकल 21 है उसके अंदर लिखा गया भी हमारे जो कर्तव्य है ना वो सुरक्षित रहे, और प्रत्येक जो व्यक्ति है उसका जीवन है वो भी सेफ रहे। इसलिए थस पब्लिक हेल्थ इज ए कंसर्न ऑफ बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड इज एग्जीक्यूटेड थ्रू द 5 ईयर प्लान। मतलब इसलिए जो हमारे जो पब्लिक हेल्थ है ना भाई, स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उन दोनों कहते भी एक 5 ईयर जो प्लान होती है ना
उसके लिए वो उनको तैयार करती है। उन दोनों क्या रहती है कि भाई दोनों काम करती है कि हमारे जो स्वास्थ्य संबंधी जो बातें हैं उनकी वो देख रेख करती है, उनकी चिंता करती है। इन स्पाइट ऑफ द पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन विच प्रूव दैट केयर इज टेकन ऑफ द मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द पब्लिक, देयर इज अनदर साइड विच इज टोटली डिफरेंट। इसके बावजूद भी हम लोग पॉजिटिव जो हम इस चीज का ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, तो कहते भी हम अपने जो इसके अंदर जो हमारी देखभाल होती है हेल्थ से संबंधित भाई, और दूसरी जो चीजें होती है उन दोनों के अंदर डिफरेंट होता है। देर इज ए लार्ज नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन इन आवर कंट्री सिंस दे डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट। बेटा बात है नहीं किसे घर से आवाज आ रही है, कहते भी एक तो क्या है हमारे देश के अंदर बहुत बड़े मतलब बहुत बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं ना कहते वो कुपोषण का शिकार है, तो उनको है ना पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता। आपने देखा होगा बेटा कई ऐसे अपने स्टेट है जिनके अंदर भुखमरी है, ठीक है, तो वो बच्चे क्या होते हैं कुपोषित होते हैं, उनको कंप्लीट मतलब भोजन नहीं मिल पाता, उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। दूसरा है कंपेयर टू अर्बन एरियाज रूरल एरियाज सफर फ्रॉम ए ग्लेरिंग है लैक ऑफ साउंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज। दूसरा क्या है नुकते भी हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की तुलना करते हैं ना, नुकते उन दोनों में हम देखते भी जो ग्रामीण क्षेत्र है ना उनके अंदर हमें जो हेल्थ केयर संबंधित जो फैसिलिटीज है ना उनकी कमी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इन दीज एरिया नुकते उस इलाके के अंदर द रेशियो ऑफ क्वालिफिकेशन मेडिसिन मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड पॉपुलेशन इज द abysmally low peoples at several place have to the travels long distance to reach the physicians. तो कहते भी इसके अंदर next page निकाल कितने होते हैं तो कि जो जनसंख्या है ना उसका कैसे निकालते हैं, तो उसके अंदर काफी लो मतलब मिलता है ये रेशो। देखिए नुकत भी हम ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र है ना उन दोनों के आपस में तुलना करते हैं, तो नुकत ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमें स्पष्ट दिखाई देता है कि भी हेल्थ केयर से संबंधित जो फैसिलिटी है ना उनकी काफी कमी होती है। तो नुकत भी इसका अगर हम रेशियो निकालते हैं ना क्वालिफाइड मेडिकल जो डॉक्टर्स है उनकी और वहाँ की जो पॉपुलेशन है ना उसकी, नुकत उन दोनों के अंदर काफी मतलब लो रेशियो होता है। और उसके बाद देखिए जो हमारा है इसी कारण से कहते भी सेवरल प्लेस हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच ए फिजिशियन और हेल्थ स्पेशलिस्ट, मतलब इसके कारण से जो लोग लोग कहते भी जो स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। हेलो मैम आवाज साफ नहीं आ रही है। अब आ रही है आपकी जो सुनाई दे रही मेरे को बिल्कुल क्लियर बेटा है भाई मैम पता नहीं आवाज साफ नहीं आ रही कट कट के आ रही है तो भाई आप तो नेटवर्क में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी बेटा मौसम की वजह से, आप लोगों की तो स्पष्ट सुनाई दे रही है मेरे को है भाई। हाँ भाई कूलर मत करे कूलर मत करो। अबे अब आ रही है तो अब आ रही है यस मैम अब आ रही है। तो देखिए जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं बेटा नो कहते भी अगर मान लीजिए उनको स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं स्वास्थ्य संबंधी कोई उनको परेशानी है तो कहते भी वो फिजिशियंस के पास पहुंचते हैं स्पेशलिस्ट के जो हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट उनके पास पहुंचते हैं तो कहते हैं उनको काफी लंबी डिस्टेंस है ना तय करके उनके पास पहुंचना होता है। इन मेनी केस बहुत से ऐसे केसेस होते हैं पुअर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटी काज डिले इन ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। कहते भी एक तो यातायात के जो साधन होते हैं उनकी कंडीशन बुरी होती है यानी कि रोड वगैरह की सुविधा नहीं होती भाई वहां पर साधन अवेलेबल नहीं होते, और दूसरा क्या कहते हैं कहते भी उनकी जो कम्युनिकेशन फैसिलिटीज बातचीत करने की है तो उन दोनों में नुकते डिले हो जाती है। देरी होने के कारण क्या होता है जो पेशेंट होता है ना उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर वे से नहीं हो पाता। मैनी पीपल्स डाई फ्रॉम माइनर एंड कर्बल डिजीज ओनली बिकॉज दे डू नॉट गेट प्रॉम्प्ट एंड टाइमली ट्रीटमेंट। बहुत से लोग है ना मतलब बहुत से लोग रस्ते में ही
जो छोटी जैसे माइनर बीमारियां होती है दूसरे और होते भी उनको जल्दी से शीघ्र ही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, उपचार नहीं मिल पाता, तो इसलिए तो बहुत से लोग हैं वो मर जाते हैं। मिलियंस ऑफ केसेस। हेलो मैम, मिनर का मतलब क्या है? मिनर का मतलब किसका? हेलो माइनर, मिनर थोड़े माइनर है, ठीक है। हाँ हाँ, थोड़े या छोटे ना कभी जैसे लोग होते हैं, छोटी जो बीमारियां होती है ना बेटा, माइनर बीमारियां, छोटी छोटी जो बीमारियां होती है ना, जिनका भी समय पर इलाज संभव नहीं हो पाता, और इसके कारण से उनको टाइमली इलाज नहीं मिलने के कारण से, उपचार न होने के कारण से वो लोग है मर जाते हैं, ठीक है। माइनर होते हैं, छोटी छोटी जो बीमारियां होती है ना उनके कारण से ग्रस्त होकर के मर जाते हैं, ठीक है। हेलो, हाँ भैया आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। आगे देखिए, मिलियंस ऑफ केसेस ऑफ द पेशेंट अफेक्टिव मलेरिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस आर रिपोर्टेड एवरी ईयर। बहुत से पेशेंट जो है, मिलियंस ऑफ केसेस यानी कि लाखों की संख्या में केस आते हैं, भी बहुत से लोग मलेरिया से और जो ये टीबी होती है ना उस बीमारी से ग्रस्त होते हैं। एवरी ईयर बहुत से लोगों को ऐसी रिपोर्ट आती है। विच इज एविडेंट दैट डिजीज लाइक मलेरिया एंड ट्यूबरक्यूलोसिस आर वाइडली सेपरेट। मतलब इससे क्या होता है, ये जो दोनों बीमारियां हैं मलेरिया की और जो टीबी है, ये बड़े स्तर पर फैल रही है। वाटरबोर्न डिजीज लाइक हेपेटाइटिस कोलेरा एंड डायरिया सेपरेट फास्ट इन द कंट्री ड्यू टू द इम्प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। भी जैसे जो पानी से जो बीमारियां होती है ना, जैसे लीवर की बीमारी हो जाती है बेटा, हेजा है, दस्त है, ये भी कहते पूरे देश के अंदर है ना बड़ी तीव्र गति से फैलते हैं। और किसके कारण से फैलते हैं, कहते इन लोगों को है ना जो पीने का पानी होता है ना वो शुद्ध मात्रा में नहीं मिलता, इसके कारण से ये बीमारियां हैं बड़ी तेजी से देश में फैलती हैं। हेलो, हाँ भाई आवाज आ रही है अभी? यस मैम आ रही है। ओके, देयर इज नो डाउट दैट वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स क्लिनिक एंड हॉस्पिटल्स। हमें कोई शक नहीं है कि भी हमारे यहाँ बड़े स्तर पर डॉक्टर्स है, क्लिनिक है, हॉस्पिटल है। वी ऑल्सो हैव ए लॉट ऑफ मनी। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, हमारे पास पैसा भी है बहुत सारा, नॉलेज एंड द एक्सपीरियंस पूल ऑफ प्रोफेशनल, वी कैन रन वेरियस हेल्थ केयर सिस्टम। हमारे पास नॉलेज भी है, इसके कारण से क्या होता है, जो पैसे वाले जो लोग होते हैं ना मुकते वो बहुत सा जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है ना उसको चलाते हैं। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज, लेकिन इन सभी के बावजूद भी इट इज ए फैक्ट दैट वी आर अनेबल टू प्रोवाइड नेसेसरी हेल्थ केयर फैसिलिटी टू आवर पीपल्स। ये सब चीजें होते हुए भी हम कहते भी हमारे जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है ना हमारे जो सब लोगों को नहीं मिल पाती। अब कहते बेटा देखिए, हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर जो सर्विस है ना वो कितनी टाइप्स की होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विस अवेलेबल इन इंडिया। तो भारत के अंदर है ना दो तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज है, कौन कौन सी, पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विस। आपने भी देखा होगा बेटा अपने आसपास जैसे लोग बीमार हो जाते हैं, एक तो है पब्लिक हेल्थ सर्विस, एक है प्राइवेट हेल्थ सर्विस। तो आप देखते हैं जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है ना, इसके अंदर तो गवर्नमेंट ने खोल रखी आप लोगों के लिए, तो इसके अंदर लोग जाते ही तो कम कॉस्टली होता है, ठीक है। और जो प्राइवेट हेल्थ केयर होती है इनमें फैसिलिटी पूरी होती है, सारे इसके उपकरण वगैरह होते हैं, और ये क्या होता है, ये ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। इसलिए कहते हैं टू टाइप्स हेल्थ केयर जो हमारे इंडिया के अंदर है, पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विस। अब आपको क्वेश्चन आ जाता है बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया, बोलिए। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हाँ बोली क्वेश्चन आंसर दे बेटा। हाँ, हाउ मेनी टाइप्स हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया, बोलिए आंसर, बोलिए बेटा। देयर इज मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस लाइक डायरिया कोलेरा। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, वो तो बेटा है वाटर बोर्न डिजीज है। क्या है वो? वाटर बोर्न डिजीज है। मैंने पूछा हाउ मेनी टाइप्स हेल्थ केयर सर्विस इन इंडिया, भारत के अंदर है ना कितने तरह की हेल्थ केयर सर्विसेज हैं,
अभी मैं आपको जो बता रही थी टू टाइप्स की हैं, पब्लिक हेल्थ सर्विस और प्राइवेट हेल्थ सर्विस। बोलिए कौन कौन सी है? यस ठीक है। अब देखिए मतलब पब्लिक हेल्थ सर्विस है ना वो क्या होती है, उसके अंदर देखिए आप, इट इंक्लूड्स ए चेन ऑफ हेल्थ सेंटर एंड हॉस्पिटल रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर बोथ। हाँ यस बोलिए सियाराम। मैम आज अब एक्सरसाइज सेंटर जो रहे क्या नहीं हो रहे? एक्सरसाइज सेंटर जो रहे एक्सरसाइज हाँ कौन सी उठ ले लिया हमने एसएसटी। हाँ अच्छा अच्छा कर देंगे बेटा, कल तक कर देंगे आपके पास, ठीक है ना? ठीक है सियाराम आपके पास कर देंगे सेंड एक्सरसाइज। अच्छा बेटा देखिए हाँ जिसकी प्रॉब्लम है आप पर्सनल व्हाट्सएप पे लिख करके भेज दीजिए, मैडम मेरे पास ये भेजना है इस पे, ताकि हमें पता चल जाए किस बच्चे के पास क्या भेजना है, ठीक है बेटा? अब देखिए नुकते बेटा जो पब्लिक हेल्थ सर्विस है ना उसके अंदर देखिए नुकते भी इसके अंदर नुकते चेन ऑफ हेल्थ सेंटर नुकते इसके अंदर तो स्वास्थ्य संबंधित जो सेंटर है उनकी एक चेन सी श्रृंखला सी होती है। जैसे यहाँ की जो हॉस्पिटल है ना भाई वो एक स्टेट गवर्नमेंट होती है ना भाई, उसके अंदर चाहे ग्रामीण क्षेत्र है चाहे शहरी क्षेत्र उन दोनों के अंदर है ना वो दोनों जगह हॉस्पिटल है वो चलते हैं। द हेल्थ सर्विस आर कॉल्ड पब्लिक एज दे आर मीन फॉर द वेलफेयर ऑफ द जनरल पब्लिक। ये जो हेल्थ सर्विस है ना इसको हम क्या कहते हैं? पब्लिक हेल्थ सर्विस कहते हैं जो भी लोगों की जो पब्लिक जो आम जनता होती है उसकी देखभाल करते हैं। बेटा किसके मोबाइल से आवाज आ रही है? एक तो मौसम की वजह से पहले डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो देखिए पब्लिक हेल्थ सर्विस आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट विद एन एम टू अचीव पीपल्स वेल बीइंग्स। पब्लिक हेल्थ सर्विस जो होती है ना मतलब भी उसका ओन क्या होता है गवर्नमेंट जो होती है वो चलाती है, ठीक है? और उसका अर्थ क्या होता है भी जो आम पब्लिक है ना भाई उसकी अच्छे से वो देखभाल करे। पब्लिक हेल्थ सर्विस गेट फंड्स फ्रॉम द पब्लिक ओनली, एग्जांपल वी पे टू द गवर्नमेंट इन फॉर्म्स ऑफ टैक्स। मतलब पब्लिक जो हेल्थ सर्विस है ना मतलब वो किसके द्वारा चलती है? मतलब जैसे हम जो फंड वगैरह देते हैं पब्लिक जो फंड देती है उससे चलती है, जैसे भाई हम सरकार को टैक्स वगैरह देते हैं तो उनसे ये गवर्नमेंट है जो हमारी पब्लिक हेल्थ सर्विस उनको चलाती है, हमारे लिए जो रोड वगैरह होते हैं आप देखते टैक्स लगता है उसके ऊपर भी, तो उन चीजों से है ना आम जनता के लिए कार्य करती है। नहीं हेल्थ का ये नहीं होता बेटे, जैसे आपा भाई अपना टैक्स भरते हैं जो लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है? उस टैक्स से हम भी प्राइवेट ना पब्लिक हेल्थ सर्विस खोलते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं, हमारे लिए जो रोडवेज होते हैं वो मतलब रोड वगैरह होते हैं। ये पैसा है ना जो टैक्स का सारा गवर्नमेंट के पास जाता है बेटा, ठीक है? और गवर्नमेंट है ना हाँ इन्हीं से बेटा सारा कार्य चलता है, जो टैक्स का पैसा जाता है ना बेटा उसी से जैसे अपनी सुविधा के लिए भी अपने सड़कें बनाते हैं, अपने लिए हॉस्पिटल खोलते हैं, अपने लिए शिक्षण संस्थान खोलते हैं, तो ये सारा पैसा है ना बेटा जो हम टैक्स के रूप में देते हैं ना भाई, जो लोग जिनके पास अच्छी इनकम होती है वो सभी टैक्स भरते हैं, ठीक है? तो उसी से ये पैसा आता है और वहां से ही गवर्नमेंट पे करती है। उसके बाद देखिए बेटा therefore such facilities are meant for everyone at a low cost and sometimes free of cost for the poor. मुकते भी इसलिए फैसिलिटी होती है ना मुकते इन कर क्या होता है everyone जो सभी व्यक्ति होते हैं मुकते बहुत ही कम पैसे में या कभी कभी मुकते भी जो गरीब लोग होते हैं उनका free of cost भी यानी कोई भी पैसा नहीं लगता उनके लिए इलाज करते हैं। अभी आप देखिए अपने जो आयुष्मान योजना चलाई है भारत के अंदर चलाई है ना उसके अंदर क्या है बेटा जो गरीब लोग है ना जिनकी इनकम 5 लाख से कम है, ठीक है सालाना इनकम, उन लोगों के लिए ये सुविधाएं हैं और ये है ना किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज है वो में करवा सकते हैं, समझ गए? तो कहते भी जो ये गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ सर्विस है ना इनके अंदर कहते या तो बहुत कम पैसा लगता है और या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जैसे बेटा हम सिविल हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, ठीक है जो सरकारी हॉस्पिटल है ना उसके अंदर हम जाते तो आप देखते हैं 5 या 10 रुपए की पर्ची लगती है, हमें जो भी टैबलेट वगैरह देते हैं और कुछ देते हैं तो उसका फ्री इलाज होता है ना, और प्राइवेट में जाते हैं तो उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं। तो ये सुविधाएं सभी हमें
बहुत ही कम पैसे में या फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो पुअर गरीब लोग हैं उनको कभी कभी ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है। अभी जैसे देख लीजिए भाई, आप जो अपना एप्पल्स पोलियो जो अभियान होता है ना, और आपको अभी कुछ दिन पहले स्कूल के अंदर टैबलेट खिलाई थी ना, तो उन्होंने कहा था ये इनका पैसे दिए थे क्या आपने, और हमने नहीं दिए ना, ये गवर्नमेंट ने बच्चों के लिए अपने आप ही अपने उससे किया है। ठीक है, दे ऑल्सो टेक प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस, कोलेरा, डायरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा। नुकते भी ये जो है ना भाई, जो बीमारियां फैलती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। जैसे भाई टीबी फैलती है, मलेरिया है, जॉन्डिस होता है, जो पीलिया होता है जैसे पानी वगैरह के उससे फैलता है, हैजा है, ठीक है, और डायरिया था जैसे दस्त वगैरह लग जाना, और चिकनगुनिया, इस तरह की जो बीमारियां है ना, मुकते भी इन इस तरह की बीमारियां हैं उनके ऊपर कंट्रोल करते हैं भी गवर्नमेंट जो है ना, समय समय पर इन जो बीमारियां। चिकनगुनिया बेटा ये बुखार होता है जो हमारे ज्वाइंट होते हैं ना, जोड़े होते हैं, जैसे अपने कोहनी मुड़ती है, कंधा मुड़ता है, पैर का टखना मुड़ता है, ऊपर अपनी जो एल्बो है, लेग है, मुड़ती है, तो उनके अंदर है ना पेन आ जाता है, ज्वाइंट जो हमारे शरीर में ज्वाइंट होते हैं बेटा, उनके अंदर पेन आ जाता है, तो उसको बोलते हैं चिकनगुनिया, बुखार का ही नाम है। ठीक है, हाँ ओके। आगे देखिए, पल्स पोलियो ड्रॉप्स आर गिवन ऑन संडे। नुकते भी पल्स पोलियो जो ड्रॉप्स है वो कब पिलाई जाती है, संडे के दिन, कब पिलाई जाती है, संडे के दिन, विच इज मार्क्ड एज पल्स पोलियो डे। मुकते इसको पल्स पोलियो डे के नाम से जानते हैं। ये आगे आपको क्वेश्चन भी आएगा, ध्यान से देख लेना, ये कब चलाते हैं पल्स पोलियो का अभियान चलाते हैं, उस दवाई पिलाते छोटे बच्चों को। ये होता है जैसे आज जन्म लिया ना, उससे लेकर के 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना बेटा, उनको पिलाया जाता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं ये बीमारी ऐसी होती है, जैसे किसी बच्चे का पैर पतला हो जाता है बेटा, हाथ पतला हो जाता है, तो अच्छे से चल फिर नहीं पाता, तो उस बीमारी को भी हम जन्म से उसको खत्म कर दें। तो इसलिए बच्चों छोटे जब आज से जन्म लिया उससे लेकर के 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको पिलाया जाता है। और कब पिलाए जाते हैं ड्रॉप्स, संडे के दिन, कब पिलाई जाती है बेटा, संडे के दिन, और इस दिन को हम किससे मार्क करते हैं, पल्स पोलियो डे के नाम से करते हैं। द गवर्नमेंट रोटरी क्लब एंड लॉयन क्लब द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव किस है, टू एडमिनिस्टर पोलियो ड्रॉप्स टू एवरी किड अप एज ऑफ 5। इसमें बता दिया गया है, कहते भी इसके अंदर जो गवर्नमेंट जो होती है ना, उसके अंदर भाई रोटरी क्लब है, लॉयन्स क्लब है, इस तरह के जो कहते भी जो पोलियो ड्रॉप्स है वो एवरी मतलब जो किड्स होता है, छोटा बच्चा किड होता है, उससे लेकर के 5 साल के बच्चे तक को पिलाई जाती है। उसके बाद आगे देखिए, टू इंश्योर दिस हेल्थ केयर सेंटर हैज बीन सेट अप इन द पार्ट ऑफ, मतलब जो स्वास्थ्य संबंधी जो सेंटर है ना, वो हमारे देश के प्रत्येक जो पार्ट है ना उसके अंदर सेट किए गए हैं, खोले गए हैं इन रूरल इंडिया, मतलब भारत के जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी, दीज सेंटर आर नोन एज द प्राइमरी हेल्थ सेंटर पीएचसी, पीएचसी और सीएचसी। आपने देखा गांव के अंदर होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो बड़े गांव होते हैं ना उनके अंदर इस तरह से गवर्नमेंट ने खोल रखे हैं। ठीक है, ऑल दीज सेंटर शुड हैव अ डॉक्टर, कहते भी इन सेंटरों के अंदर एक डॉक्टर होता है, एक फार्मासिस्ट होता है, cater to the basic amenities। नुकते भी इन सेंटरों के अंदर एक डॉक्टर होता है, एक फार्मासिस्ट होता है जो दवाई वगैरह जो देता है, और एक केयर टेकर होता है जैसे नर्स वगैरह है जो उनको गोली दवाई वगैरह देता है। अबाउट द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर आर द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नुकते भी ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होते हैं ना, ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है ना, उनके नीचे काम है वर्किंग ऑफ द प्राइमरी हेल्थ के सेंटर। ये जो हॉस्पिटल होते हैं ना, बहुत से गाँव को कवर करते हैं और डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इनकी कहते भी देख रेख कौन करते हैं, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं ना उनके जो वर्किंग होते हैं वो इसकी सुपरविजन में ये कार्य करते हैं। लार्ज टाउन एंड सिटीज हैव टू बेटर इक्विप्ड हॉस्पिटल्स डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन,
कहते भी इसके अलावा जो बड़े बड़े जो कस्बे होते हैं या शहर होते हैं ना, उनके अंदर कहते भी बेटर और बढ़िया हॉस्पिटल्स होते हैं। कहते भी वो डिपेंड करते हैं भी वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो ज्यादा मात्रा में भाई वहां पर जो हेल्थ पीएचसी वगैरह खोल दिए जाएंगे। ठीक है, उनमें अच्छा सामान दिया जाता है, पूरी फैसिलिटीज दी जाती है, ठीक है, और अच्छे से उनकी केयर की जाती है। और कहते भाई ये पीएचसी जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, इनके अंदर मान लीजिए किसी की बीमारी ज्यादा है बड़ी है तो वो लोग वहां से इसको रेफर कर देते हैं, फिर जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं तो उनके अंदर उनका ट्रीटमेंट चलता है। समझ में आया बेटा सभी को? यस मैम। हेलो। यस मैम। उसके बाद देखिए प्राइवेट हेल्थ सर्विस, दूसरा कौन सा है? प्राइवेट हेल्थ सर्विस। अब प्राइवेट हेल्थ सर्विस के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती है? देखिए द प्राइवेट हेल्थ सर्विस आर ऑफर्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड आर प्रॉफिट ओरिएंटेड। प्राइवेट जो हेल्थ सर्विस है ना कहते भी इसके अंदर जो इंडिविजुअल जो प्रॉफिट जो होता है ना वो किसी एक आदमी का होता है, जिस जिनके हॉस्पिटल होते हैं बेटा उन्हीं का होता है, समझ गए? There are a number of private clinic, private hospital and nursing home which have mushroomed in the urban areas. मतलब सारे क्षेत्र के अंदर आप देखते हैं ना बहुत बड़े ना बहुत अधिक संख्या में जैसे प्राइवेट क्लिनिक है, प्राइवेट हॉस्पिटल है और नर्सिंग होम है वो खोले जाते हैं। The private health facilities include laboratories with all kinds of new equipments to provide facility of a test, x-ray, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा। मुझे बेटा जो प्राइवेट जो हॉस्पिटल होते हैं ना उनके अंदर काफी फैसिलिटी है ना वो इंक्लूड होती है, सम्मिलित होती है, जैसे लेबोरेटरी होती है भाई हमें जांच करवानी है किसी चीज की, ठीक है ना, टाइफाइड की करवानी है, खून की जांच करवानी है या अदर जो चीजें हैं उनकी हमें जांच करवानी है, तो वो चीजें सब कहाँ होती है? प्राइवेट के अंदर होती है। उसके अलावा अनुकते भी वहां पर ये जो फैसिलिटी है ना भाई हमें टेस्ट करवाना है, एक्सरे करवाने है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, तो उनके पास अच्छे उपकरण होते हैं, ठीक है, अच्छी फैसिलिटीज उनके पास होती है, इसलिए वो उनको आसानी से कर देते हैं। सेवरल डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल में नहीं करते सिविल हॉस्पिटल में, तो आजकल तो जो सुविधा होगी बड़े बड़े जो हॉस्पिटल है ना जैसे अच्छे शहरों के अंदर सिविल हॉस्पिटल हो गए ना तो उनके अंदर तो फैसिलिटी होगी, लेकिन देखते पहले वो फैसिलिटी। लेकिन दूसरा क्या होता है बेटा कई कई बार क्या हमें पेन ज्यादा हो रहा है और जो सिविल हॉस्पिटल वाले वो ये भी ठीक आपको दिन बता रहा ठीक और हमें पेन ज्यादा हो रहा है हम हम उस चक्कर में प्राइवेट के पास चले जाते हैं, वो हमारा जाते ही चेकअप वगैरह वो जल्दी से कर देते, पैसे तो हमारे लगते हैं लेकिन तो वो फैसिलिटीज है वो सारी चीजें हैं वो जल्दी प्रोवाइड करवा देते हैं, समझ गए बेटा? उसके बाद देखिए सेवरल डॉक्टर्स हैव सेट अप देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक इन द अर्बन एंड द रूरल एरियाज। आप देखते हैं बहुत से जो डॉक्टर है ना उन्होंने अपने खुद के प्राइवेट क्लिनिक अपने गांव के अंदर और शहरों के अंदर उन्होंने अपने खोल रहे हैं। आपने भी देखा होगा कि अपने गांव के अंदर एक तो जैसे कोई डॉक्टर है अपने गाँव में उसने अपने घर में ही खोल रखा है तो हम आ जाते हैं तो वो दवाई वगैरह लेके आते हैं, लेके आते हैं बड़े शहरों के अंदर आते हैं तो वहां पर बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल है, ठीक है, तो उन्होंने कहा उन्होंने खुद खोल रखे हैं, जो अपना ये कार्य करके आते डॉक्टरी के पढ़ाई करके आते उसके बाद वो अपना खुद का क्लिनिक या अपना हॉस्पिटल खोल लेते हैं, ठीक है। क्लिनिक होता भी एक छोटी सी दुकान होती है उसके अंदर वो ट्रीटमेंट करते हैं और हॉस्पिटल होता है जिसके अंदर भाई वो पूरी फैसिलिटीज होती है, ठीक है ना भाई, उसके अंदर एक्सरे मशीने साउंड की मशीने हैं, अदर जो लेबोरेटरीज है वो सब चीजें उसके अंदर होती है, समझ बेटा? हेलो, समझ में आया बेटा? यस मैम। नंबर फर्स्ट प्रैक्टिशनर इज मोर इन द अर्बन एरिया देन इन द रूरल एरिया। कहते भी इस तरह के जो प्राइवेट जो प्रैक्टिस जो करते हैं ना कहते भी वो लोग गांव में कम मिलते हैं और शहरों में ज्यादा लोग होते हैं, ठीक है, इस तरह जो प्रैक्टिस करते हैं प्राइवेट में आगे कोर्स करके आगे उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया तो ऐसी फैसिलिटी तो शहरों के अंदर ज्यादा करते हैं, गांव के अंदर वो लोग कम करते हैं। टू ए आज की हम बात करते हैं द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज कैन बी सेल ऑल अराउंड। आज की हम बात करते हैं हमारे चारों ओर जो प्राइवेट फैसिलिटीज है ना वो हमें देखने को मिलती है, भी हम कहीं भी गांव के अंदर आते हैं या शहर के अंदर आते हैं जैसे
तो आप देखते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर हम आते हैं तो अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल आपको मिलेंगे ना, और अदर है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। हेलो, इन फैक्ट नाउ देर आर लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल्स एंड सम आर द एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन। कहते भी कंट्री मेडिकल जो शॉप होती है ना, जिसको आप मेडिकल स्टोर बोलते हैं, ये नॉन मेडिकल शॉप बोलते हैं, कहते भी वो देश के हर कोने में पाई जाती है। समझ रहे हो सभी बच्चे? यस मैम। हेलो, हाँ भाई, तो समझ में आया आप सभी को है बेटा? हेलो, ये बीच बीच में क्या करूँ मैं, आपकी है बेटा। तो देखिए आज हमने ये चीजों के बारे में पढ़ा, कौन कौन सी भाई, हेल्थ केयर रिसोर्स इन इंडिया, भारत के अंदर तो हेल्थ रिसोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और कौन कौन सी बीमारियां हैं जो वाटर बोर्न डिजीज़ पानी से फैलती हैं, हमें शुद्ध मात्रा में पीने का प्योर पानी नहीं मिलता, क्लीन वाटर नहीं मिलता, उसके कारण कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं, उसके अलावा तो बहुत सी ऐसी बीमारियां होती हैं जो मतलब कई साल भर में मतलब कई लाखों लोग उस बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जैसे भाई मलेरिया है, टीबी है, ठीक है, मतलब हेल्थ केयर जो सर्विस है वो कितने टाइप्स के अंदर, हेल्थ केयर सर्विस अंदर उठाए हैं उनके अंदर, तो आप देखते हैं बहुत कम मात्रा में हमें पैसे देने पड़ते हैं, कई बार तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होता है, ठीक है। और प्राइवेट के अंदर आप देखते हैं तो प्राइवेट के अंदर भाई पूरी फैसिलिटीज होती है, लेबोरेटरीज होती है, भाई एक्सरे की होती है, टेस्टिंग वगैरह जो भी करवाए वो फैसिलिटीज होती है, अल्ट्रासाउंड की सारी फैसिलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल तो होते हैं उनके अंदर होती है। हमारे पूरे देश के अंदर कहते भी हर कॉर्नर के अंदर भाई मेडिकल शॉप हमें मिलेगी, और आप शहरों के अंदर आप देखेंगे तो कहते उसके अंदर आप देखते हैं भी जगह जगह पर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो काफी खुले हुए हैं। समझ रहे सभी बच्चे? तो कहते भी इस तरह से देखिए हमारा जो देश है ना, कहते भी इसके अंदर जो हम दवाइयों का उत्पादन करते हैं ना वो बहुत अधिक बड़े स्तर पर करते हैं, ठीक है, हम अपने देश के अंदर इतनी दवाइयां बनाते हैं जो विदेशों में हम उनका निर्यात करते हैं, हम उनको भेजते हैं। तो आज ये अपना चैप्टर था, इसके अंदर दो ये आपने पॉइंट करवाए गए, प्राइवेट हेल्थ सर्विस और पब्लिक हेल्थ सर्विस, और कल का जो चैप्टर है आपका इसके अंदर पार्ट दो कर दिए गए इसके, इन देयर इक्वालिटी इन द हेल्थ केयर, इज देयर इक्वालिटी इन हेल्थ केयर, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो कल आपको है ना पहले इस चैप्टर को आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है भाई। दो इसके अंदर देखिए केस स्टडी के अंदर दे रखा, केरला के बारे में बता रखा है, और अमेरिका जो है नास्ट्रेलियन लोगों ने कर रखी क्या चीजें, उन्होंने पैसे इन्वेस्टमेंट नहीं किए, उन्होंने अपने पैसे कहाँ पर किए, उन्होंने अपने पैसे जो हेल्थ है ना उन इन्वेस्टमेंट किए। तो इन दोनों जो शहर हैं इनकी स्टडी करनी, इसके बारे में कल आपसे पूछूंगी, समझ गए बेटा सभी बच्चे? तो आपका जो ये फर्स्ट चैप्टर है इसके अंदर सिविक्स के अंदर, तो इसके क्वेश्चन आंसर हो गए कम्प्लीट, एक्सरसाइज हुई है बेटा। एक्सरसाइज हुई है। हेलो मैम, पेंडिंग वर्क कहाँ से करें? क्या करें? पेंडिंग वर्क। पेंडिंग इसमें हेलो पेंडिंग वर्क छूटा हुआ है हमारा, क्योंकि हमने कल आज से ज्वाइन किया है स्कूल, तो हमारा पेंडिंग वर्क कैसे करें? अच्छा, क्या नाम है आपका? निखिल। निखिल, निखिल और नितिन। अच्छा अच्छा, ये इसके भैया है ना यहाँ से सैनीपुरा से? नो मैम, तो अटेली मंडी के पास बोड़ी से। अच्छा अच्छा, बोड़ी से।
यस मैम, निखिल और नितिन सर रहते हैं। हाँ हाँ समझ गए, निखिल और नितिन है। तुम कहाँ थे इतने दिनों से? मैम अभी ज्वाइन करा, पहले नवीन स्कूल में थे, फिर सर ने बोला। अच्छा अच्छा न्यू स्टूडेंट हो तो आप हैं बेटा। तो देखिए आपका पेंडिंग कार्य है ना बेटा, इसके अंदर आप मेरा जो व्हाट्सएप है आपने अभी ज्वाइन कर रखा है ना बेटा, इसके अंदर आप है ना अपना नाम लिखे, क्लास लिखे और डाल देना न्यू स्टूडेंट है। मैडम हमारा पीछे का होमवर्क सेंड कर दीजिए, तो बेटा मैं आपके पास है ना सेंड कर दूंगा। पीछे हमारे चैप्टर है ना ज्योग्राफी के अंदर 5 चैप्टर हो गए। हेलो ज्योग्राफी, हाँ सिक्स ना ना सिक्स का तो हो गया, आपके क्वेश्चन आंसर शायद कंप्लीट नहीं हुए हैं। सिविक्स में सेकंड आज रीड करवाया है तो फर्स्ट हुआ है कंप्लीट सिविक्स में, हिस्ट्री में अभी नहीं करवाया है। मैम तो ज्योग्राफी के भी दिन मैंने कल मैसेज करा था आपको, क्या था? यस मैम। कोई बात नहीं, आज अभी कर देना, मेरे को ध्यान रहेगा। ठीक है बेटा, समझ गए ना बेटा, आप काम जरूर भेज देंगे। आज कैसा लगा, समझ में आया बेटा नितिन और निखिल? यस मैम। हेलो, यस मैम। हाँ ओके, तो काम आपका भेज देंगे। ठीक है बेटा, अभी है ना मेरा जो व्हाट्सएप है उसके ऊपर आप डाल करके कर देना, और आपकी पूरी पीडीएफ बना करके जो 5 चैप्टर हुए ना उनकी कंप्लीट भेज दूंगा। आप उसको खोलते जाना, क्वेश्चन भी है उसमें साथ साथ आंसर भी है, और चैप्टर जब कंप्लीट होगा ना बेटा उसके ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आप सुंदर ढंग से उनको कर लेना। हाँ और बताओ इसमें 5 चैप्टर बना रखी है, 5 चैप्टर है ना बेटा उनकी कंप्लीट बना रखी है, 5 चैप्टर है ना आपका फर्स्ट टू फिफ्थ, अलग अलग ऊपर चैप्टर लिख रखा है। ठीक है बेटा, और चैप्टर खत्म होता है ना फर्स्ट कंप्लीट, तब हमने लिखा है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट फिर सेकंड स्टार्ट।